एक मंत्री सभा में सभी लोगों से एक सवाल पूछता है। इस प्याले में शरबत भरा है जिसके ऊपर मैंने ये कपड़ा ढक दिया है। मेरा सवाल है, क्या आप में से कोई भी कपड़े को बिना हाथ लगाए इस प्याले को खाली कर सकता है? कोई भी मंत्री इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। बीरबल, इस गुत्थी को सुलझाओ। जी हुजूर। फिर बीरबल जी उस प्याले के पास आते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। प्याला खाली हो जा, प्याला खाली हो जा। फिर वे कहते हैं, मैंने शरबत से भरा प्याला खाली कर दिया। यह सुनकर वह मंत्री उस प्याले के कपड़े को हटाता। मंत्री कहता है, इसमें तो अभी भी शरबत भरा है। तब बीरबल जी कपड़ा हटते ही प्याले को उठाकर शरबत पी जाते हैं और उस प्याले को खाली कर देते हैं और बोलते हैं, मैंने कपड़े को छुए बगैर शरबत से भरे प्याले को खाली कर दिया, आपकी यही शर्त थी ना? एक बार सहसा कंवर के दरबार में एक शिक्षक शिकायत लेकर आया। जहाँ पर ना हमारे नगर में जो पाठशाला है, जहाँ दूर दूर के नगर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, उस पाठशाला के बाहर नगर के कुछ लोग वहाँ कचरा फैलाते हैं, जिस कारण से पाठशाला का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। कृपया हुजूर आप कुछ करें। महामंत्री जी, पाठशाला के पास 4 सैनिक तैनात कर दो। जी हुजूर। ठहरिए हुजूर, क्या हुआ बीरबल? हुजूर, हम कब तक इस पाठशाला के पास सैनिकों को तैनात करेंगे? मुझे 5 दिन का समय दें, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, 5 दिन के बाद। जहाँ पना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 2 दिन से वहाँ किसी ने जरा सा भी कचरा नहीं फेंका है। बीरबल, ये कैसे संभव हुआ? हुजूर, मैंने 2 सैनिकों द्वारा नगर में यह फरमान जारी करवा दिया कि जो भी पाठशाला के पास किसी भी तरह की गंदगी या कचरा फैलाता है, उसे 10 सोने के सिक्कों का जुर्माना और 1 माह का कारावास होगा। और यह फरमान पाठशाला की दीवार पर भी लिखवा दिया गया है। लेकिन अगले ही दिन दूसरे नगर का कोई फल बेचने वाला वहाँ कचरा फेंक देता है, उसे तुरंत नगर वालों के सामने ही पकड़कर कारावास के लिए ले जाया गया। और वो 10 सोने के सिक्के बीरबल? हुजूर, उस फल बेचने वाले आदमी को मैंने ही कचरा फेंकने को बोला था। सभा के सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन क्यों? हुजूर, ताकि नगर के लोगों में डर बैठ सके और वे पाठशाला के बाहर कोई कचरा ना फेंकें। अब हमें पाठशाला के बाहर सैनिकों को तैनात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बीरबल, तुम्हारा जवाब नहीं,